वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई वे स्टडी। आज मैं आपको क्लास 12 के पेंटिंग सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 1 राजस्थानी लघु चित्र शैली को समझाऊंगी, यानी कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि हमसे क्या पूछा गया है, क्योंकि जब तक हमें ये बात नहीं पता होगी कि हमसे क्या पूछा गया है, सवाल क्या किया गया है, तो हम उसके आंसर को ढंग से नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि राजस्थानी शैली किस प्रकार अस्तित्व में आई, यानी कि राजस्थानी शैली की शुरुआत किस तरह से हुई, हमें ये बात बतानी है। तो आंसर लिखेंगे, राजस्थानी चित्रकला का इतिहास सन 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि राजस्थानी चित्रकला की जो शुरुआत हुई है वो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक की टाइमिंग में है। इस शैली का विकास चैन पुस्तक शैली से हुआ, यानी कि इस शैली का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, जैन पुस्तक शैली से। ये शैली गुजरात, बुंदेलखंड और फिर राजपूतानों की रियासतों तथा पंजाब, कश्मीर आदि में पुष्पित पल्लवित हुई। यानी कि ये शैली गुजरात, बुंदेलखंड के अलावा राजपूतानों की रियासतें पंजाब, कश्मीर आदि में फली फूली। राजस्थानी चित्रकला मध्य युग की एक महत्वपूर्ण देन है जिसका संबंध भारतीय संस्कृति और सभ्यता की नींव पर है। यानी कि ये जो राजस्थानी शैली है ये मध्य युग की एक बहुत महत्वपूर्ण देन है और इसका संबंध भारतीय संस्कृति यानी कि कल्चर और इसकी सभ्यता की नींव पर है। 17वीं शताब्दी में राजस्थानी शैली में अधिक चित्र बने। इसकी शुरुआत 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच इसका विकास हुआ था। फिर यहाँ पर 17वीं शताब्दी में राजस्थानी शैली में सबसे ज़्यादा चित्र बने। कलाकार साधारण जनता के आंगन से लेकर राज दरबार तक फैले हुए थे, यानी कि राजस्थानी शैली में चित्र बनाने वाले कलाकार आम लोग भी थे और राज दरबार के लोग भी थे। समाज में हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मेल भी हो चुका था, और इस टाइम पर समाज में क्या हो चुका था, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मेल। तो इसकी वजह से मुस्लिम पहनावा, दरबारी अदब कायदे, मुस्लिम और ईरानी रंगों को पसंद और प्रचलित मुग़ल चित्रों की शैली का प्रभाव राजस्थानी चित्रों में भी पड़ता है। यानी कि हिंदू मुस्लिम समाज की एकता होने से मुसलमानों के अदब कायदे यानी कि रूल रेगुलेशंस और यहाँ के लोग ईरानी रंगों को पसंद करने लगे थे और ये मशहूर हो गई थी, जिस वजह से मुग़ल चित्रों की शैली का प्रभाव राजस्थानी चित्रों पर पड़ने लगा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि राजस्थानी शैली की शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरह से हुई। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगी ताकि वीडियो देखते देखते आपको हैंड टू हैंड लर्न हो जाए। तो राजस्थानी चित्रकला का इतिहास 16वीं से 19वीं शताब्दी तक फैला हुआ है, और इस शैली का विकास किससे हुआ है, जैन पुस्तक शैली से। इस वर्ड को याद रखेंगे, जैन पुस्तक शैली से हुआ। ये शैली गुजरात, बुंदेलखंड के अलावा राजपूतानों की रियासतों पंजाब, कश्मीर आदि में भी फली फूली। राजस्थानी चित्रकला मध्य युग की एक बहुत बड़ी देन है, इस बात को ध्यान रखना है, और इसका संबंध भारतीय संस्कृति से है। 17वीं शताब्दी में राजस्थानी शैली में सबसे ज़्यादा चित्र बने। कलाकार साधारण जनता से लेकर राज दरबार के लोग भी थे। अब समाज में इस टाइम पर हिंदू मुसलमानों का मेल हो गया था, इसी वजह से राजस्थानी चित्र शैली के अंदर मुग़ल चित्रों का असर भी देखने को मिलता है। अब आगे पढ़ेंगे, राजस्थानी शैली की मुख्य चार शाखाएं थी। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थानी शैली की मुख्य कौन कौन सी शाखाएं थी, तो इस वाले पूरे ही आंसर को हम यहाँ से लिख सकते हैं कि राजस्थानी शैली की मुख्य चार शाखाएं थी। राजस्थानी शैली जिसका क्षेत्र है राजस्थानी क्षेत्र, फिर सेकेंड है बुंदेल शैली, इसका क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र, फिर नेक्स्ट है पहाड़ी शैली, इसका जो क्षेत्र है वो है पंजाब और गढ़वाल, और फिर लास्ट के अंदर है सिख शैली। तो अब अच्छे से रट लो कि राजस्थानी शैली की चार मुख्य शाखाएं थी। सबसे पहली है राजस्थानी शैली, इसका क्षेत्र है राजस्थान, बुंदेल शैली का क्षेत्र है बुंदेलखंड,
पहाड़ी शैली का जो क्षेत्र है वो है पंजाब और गढ़वाल, और लास्ट है सिख शैली। अब आगे कहा गया है कि जयपुर, मेवाड़, नाथद्वारा, जोधपुर, बीकानेर, कोटा बूंदी, नागौर, किशनगढ़, अलवर, शेखावारी आदि राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख केंद्र थे। राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख केंद्रों के नाम याद करने हैं, जयपुर, मेवाड़, नाथद्वारा, जोधपुर, बीकानेर, कोटा बूंदी, नागौर, किशनगढ़, अलवर, शेखावारी आदि राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख केंद्र थे। वीडियो को रिपीट करके देखोगे और बार बार सुनोगे तो ये आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। अब आगे पढ़ेंगे, इन सभी चित्रों में प्रेम के सभी भिन्न भिन्न स्वरूपों को चित्रित किया गया था, यानी कि इन सभी पेंटिंग्स के अंदर प्रेम के अलग अलग टाइप्स दिखाए गए थे, जैसे कि नायक नायिका का भेद, लोक कथा एवं विरह, इनका चित्रण, साहित्यिक कृतियां जैसे कि ढोला मारू, सोहिनी महिवाल, लोरचंद जो दाऊद मौलाना द्वारा लिखी गई एक लोकप्रिय विरह है। अब यहाँ से दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि इन सभी चित्रों में प्रेम के भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत किया गया, जैसे कि नायक नायिका का भेद, लोक कथा एवं विरह, इनका चित्रण, साहित्यिक कृतियाँ जैसे कि ढोला मारू, सोहिनी माहिवाल, लोरचंद जो दाऊद मौलाना द्वारा लिखी गई एक लोकप्रिय विरह है के आधार पर किया गया है। संस्कृत में लिखी बाणभट्ट की कादंबरी, रसिक प्रिया रामचंद्रिका और चोर पंचासिका, नल दमयंती आदि की प्रेम कथाओं को भी इस शैली के अंदर चित्रित किया गया है, यानी कि राजस्थानी चित्र शैली के अंदर संस्कृत के अंदर लिखी गई बाणभट्ट की कादंबरी, रसिक प्रिया रामचंद्रिका और चोर पंचासिका, नल दमयंती आदि की प्रेम कथाओं को भी इस शैली में चित्रित किया गया है, यानी कि इस शैली में इन सब के बारे में पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अब बात करेंगे लघु चित्रों के बारे में, यानी कि मिनिएचर पेंटिंग्स। तो यहाँ पर लिखा है, लघु चित्र भोजपत्र, कागज़, लकड़ी तथा कपड़े पर बनाए जाते थे। राजस्थानी लघु चित्रों की विशेषता ये है कि इसमें भिन्न भिन्न विचारों के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि अलग अलग बातों को, विचारों को दिखाने के लिए अलग अलग कलर यूज़ किए जाते थे। रंगों का अलग अलग प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता था, यानी कि रंगों को अलग अलग जो यूज़ किया जाता था उन सब रंगों का अपना एक अलग मतलब होता था। जैसे कि लाल रंग ऊर्जा, संवेग एवं क्रोध को प्रकट करता है, इसी तरह से पीला रंग आश्चर्य और भूरा रंग कामुकता प्रदर्शित करता है। ये चित्र द्विआयामी हैं, रेखाएं सरल हैं और सपाट रंगों का प्रयोग किया गया है। चमकीले लाल, नीले, पीले एवं हरे रंग इन आकृतियों को विशेष चमक प्रदान करते हैं, जो पृष्ठभूमि से बिल्कुल अलग है। तो पूरे ही टॉपिक को एक बार फिर से समझाती हूँ, ध्यान रखेंगे कि लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे, भोजपत्र, कागज़, लकड़ी तथा कपड़े पर बनाए जाते थे। राजस्थानी लघु चित्रों की विशेषता ये होती थी कि अलग अलग बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग रंगों का यूज़ किया जाता था, और सभी अलग अलग रंगों का अपना एक अलग अर्थ होता था। जैसे कि लाल रंग ऊर्जा और संवेग और क्रोध को प्रकट करता था, पीला रंग आश्चर्य को प्रकट करता था और भूरा रंग कामुकता को प्रकट करता था। ये चित्र द्विआयामी होते थे। यहाँ पर रेखाएं सरल और सपाट रंगों का प्रयोग किया गया है। चमकीले लाल रंग, पीले एवं हरे रंग इन आकृतियों को विशेष चमक प्रदान करते थे। अब आगे की बात को ध्यान से समझेंगे कि सभी लघु चित्रों में आकृतियों में आंखें कमल जैसी, बाल लटके हुए, सुडोल वक्ष, पतली कमर और हाथ गुलाबी दिखाए गए हैं। पुरुषों को पगड़ी, पटका, साफा, टोपी, धोती और जामा, अंगरखा, पायजामा तथा स्त्रियों को लहंगा, छोटी या पूरे बाह का ब्लाउज, दुपट्टा या पारदर्शक ओढ़नी पहने हुए बनाया गया है। आभूषणों का जो प्रयोग किया गया है, यानी कि जेवरों का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा हुआ है। किलो भवनों, खिड़कियों, झरोकों, बालकनियों आदि की बनावट
राजस्थानी वास्तुकला के अनुसार है, यानी कि राजस्थानी लघु चित्र शैली के अंदर जो किलों, भवनों और खिड़कियों की बनावट है वो किस तरह से है, राजस्थानी वास्तुकला के हिसाब से। किंतु कहीं कहीं मुगल भवनों का भी प्रभाव भी होता है। हाशिए जो है, हाशिए का मतलब होता है जो मार्जिन में हम लाइन डालते हैं पेंटिंग के चारों तरफ, इस तरह से लाइन होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हाशिए सादे बेल बूटों से युक्त या सुनहरे हैं। प्रकृति चित्रण में साफ आसमान, काले घुमरते बादल, पशु पक्षी, जलाशय, पुष्प, लताओं को दिखाकर स्वाभाविकता प्रदान की गई है। तो बस हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि राजस्थानी लघु चित्र शैली में यानी कि मिनिएचर पेंटिंग में सभी आकृतियों में आँखें कमल जैसी, बाल लटके हुए, सोडोल वृक्ष, पतली कमर और हाथ गुलाबी दिखाए गए हैं। पुरुषों को पगड़ी, पटका, साफा, टोपी, धोती, जामा, अंगरखा, पायजामा तथा स्त्रियों को लहंगा चोली और पारदर्शी ओढ़नी पहने हुए दिखाया गया है। आभूषणों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों ने ही किया है और किलो भवनों की बनावट इस तरह से की गई है कि वो राजस्थानी वास्तुकला के अनुसार हो। किंतु कहीं कहीं मुगल भवनों का भी प्रभाव देखने को मिला है। और इस पेंटिंग के जो हाशिए हैं वो कैसे हैं, सादे बेल बूटों से युक्त हैं या फिर सुनहरी हैं। आई होप अब आपको राजस्थानी लघु चित्र शैली का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को कई बार रिपीट करके देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आपको लर्न हो जाएगा। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थानी शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम बताने हैं। तो मेवाड़ शैली के जो कलाकार हैं उनका नाम है सहीबद्दीन कोटा। बूंदी शैली के कलाकार हैं उत्कल राम। किशनगढ़ शैली के कलाकार हैं निहाल चंद। बीकानेर शैली के कलाकार हैं नीरुद्दीन। जयपुर शैली के कलाकार हैं गुमान। और जोधपुर शैली के कलाकार हैं दाना। अब यहाँ पर मैंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ समझाऊंगी। क्वेश्चन थर्ड के अंदर राजस्थानी शैली में किन किन विषयों पर चित्र बने हैं ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन थर्ड कराऊंगी और क्वेश्चन फोर्थ के अंदर राजस्थानी शैली की विशेषता समझाऊंगी मैं आपको। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।